शुक्रवार को अस्पताल में भर्ती एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। परिजनों ने मौत का कारण चिकित्सकों की लापरवाही बताया है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। दरअसल पूरा मामला 16 दिन पहले शुरू हुआ था, जहां मृतक गिरीश बलवाल को राकेश गांधी ने अपने बेटे के साथ मिलकर पीटा। बता दें कि मृतक ने राकेश नामक युवक को 500 रुपये उधार दिए थे। मृतक गिरीश के रुपये मांगने पर राकेश उसे मना कर देता था। तभी एक दिन राकेश ने रुपए देने के बहाने मृतक को घर में बुलाकर बेटे के साथ मिलकर मारपीट की। गिरीश ने आज सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं मृतक गिरीश के परिजनों ने चिकित्सकों पर आरोप भी लगाए। ना ही हमें पुलिस से ऐसा वो सहयोग मिला, अपराधी खुलेआम घूम रहे और हम हॉस्पिटल में आ रहे हैं, हमें यहाँ से कह रहे हैं रेफर करने को कह रहे तो दूसरा डॉक्टर हमें कहता है कि ये इलाज यहीं हो जाएगा, और उसके बावजूद यहाँ पे अगर टेस्ट की कोई रिपोर्ट देते हैं उसके लिए हमें नहीं बताया जाता है, इन्फॉर्म नहीं किया जाता है कि ये आपने टेस्ट कराना है। और वो टेस्ट को जब हम दोबारा डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं आपने ये टेस्ट नहीं कराया। हमने कहा नहीं, हमें कोई वो नहीं है। फिर हम यहाँ आके कह रहे हैं तो ये हमें कह रहे हैं कि ये हमारा काम है, अपने तरीके से करेंगे। और पुलिस प्रशासन का ये है कि आज इस केस को हमने 19 तारीख को हमने दर्ज कराया और 12वें दिन उसकी यहाँ पे आके मरीज के आगे बयान लिया गया कि क्या हुआ करके 12 दिन बाद। और उसके बाद अभी तक जो अपराधी है खुलेआम घूम रहे हैं और आए दिन हमको ऐसे देख रहे हैं जैसे कि हमें मार देंगे। अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये मरीज हमारे पास देश से आया था रिफर होके, इनके कोल्हे में फ्रैक्चर था और इनकी ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी, लेकिन भर्ती होने के बाद 2-3 बार जांचों में पता चला कि इनके लीवर की सब जांचें और किडनी की जांचें सब गड़बड़ हैं और पहले से भी ये ड्रिंक कर रहे हैं, अल्कोहल बहुत पीते थे, और तो इसके कारण जो ऑपरेशन अभी टाला गया, हीमोग्लोबिन भी बहुत कम था इनका, उन पर हमारी तैयारी चल रही थी, ब्लड चढ़ रहा था और जाँचें चल रही थी बेहोशी वालों की, इस दौरान जो है कि वो ठीक थे चल रहे थे। अभी कभी आज सुबह हमें पता चला कि जरा सा वो उनको सांस नहीं ले रहे हैं, हिला नहीं रहे हैं, उनको बताया गया तो हम लोग भागे भागे आए